हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू सेठ ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ सहजन की सब्जी और सरसों मसाला वाला बिना बैगन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मैंने कल लाइव किया था, इसी कारण मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन कई लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मुझसे पूछने भी लगे कि आपका वीडियो आज अपलोड क्यों नहीं हुआ। रात के 9 बजे हम लोग वेट कर रहे थे और मेरे आसपास के लोग ही मुझसे पूछ रहे थे। वो लोग भी मेरा व्लॉग डेली देखते हैं और मैं यहाँ पर बना रही थी दोपहर का लंच और इनसे बात भी कर रही। यहाँ पर मैं सब्जी में थर्मस में रखी थी गरम पानी, वही डाल रही हूँ क्योंकि गरम पानी वेस्ट होता है। और सब्जी में मैं ग्रेवी लगा दी। ये है आम। यहाँ पे हम लोग लंच करने के बाद आराम करने लगे थे और उसके बाद मैंने शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया शाम के टाइम से। और जब सो के उठी तो मेरी बिटिया ने बोला था खीरा कट करने के लिए, तो मैं खीरा कट करने लगी हूँ। हेलो फ्रेंड, तो मैं लंच करने के बाद सो गई थी और सो के उठी हूँ तो बेटी आ गई ट्यूशन क्लास से, तो बोली है कि मम्मा खीरा कट करो। तो ये मैंने खीरा कट किया है और इसको हम लोग जा रहे हैं माँ बेटी मिलके खाएंगे। बेटा, आपको खीरा पसंद है क्या? हाँ। बहुत ज़्यादा, तो खाओ ना लो। अरे एक बात तो कहना चाहता। क्या? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जोर से बोलो तो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू बेटा। सब लोगों से बोल रहे हो ना सबसे? चलो अब खाओ। मैं भी खाऊं? Thank you.
शाम और मैं पी रही हूँ चाय। तो आ जाइए आप लोग भी पीते हैं साथ में चाय। आजकल मैं ब्लाउज सिलने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ फ्रेंड, और ये ब्लाउज मैंने सिल लिया था और गले की तुरपाई वगैरह सब कर रही थी, और ये सिंपल ब्लाउज मैंने बनाया है क्योंकि साड़ी बहुत ही सिंपल है, तो मैंने सोचा सिंपल ही ब्लाउज अच्छा रहेगा, तो मैंने इधर बना लिया है। ये वैसे लेडीज़ कपड़े जितने भी है ना मैं सिल लेती हूँ, और इसको मैंने सिंपल बनाया है और डिजाइनर बनाने वाली हूँ, और मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जब डिजाइनर ब्लाउज पूरा ब्लाउज मैं बना लूँगी ना तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने ब्लाउज कट करके रखा है, जो उस दिन रेड कपड़ा मंगाया था ना वही वाला है। और ये देखिए एक डिजाइनर ब्लाउज है मेरा, पीछे ही हल्का फुल्का डिजाइन है और आगे कुछ भी नहीं है। बना लेती हूँ मैं अक्सर अपने ब्लाउजों को, बना ही लेती हूँ। बस यही सब चल रहा है आजकल, ब्लाउज सिलना उलना और त्योहारों की तैयारी करना और ब्लॉगिंग बनाना, ब्लॉगिंग आप लोग के साथ शेयर करना, फिर टाइम से सबको खाना पानी देना, यही तो एक हाउसवाइफ का रूटीन होता है जो कि मैं करती हूँ। और बहुत सी ऐसे हाउसवाइफ हैं जो कि घर के साथ साथ बाहर का भी काम बखूबी करती हैं और बहुत ही अच्छा से बिजनेस भी संभालती हैं, बट मुझे इतने में ही बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो सावन अभी चल रहे हैं और मौसम भी ठीक हो चुका है, लगभग 3-4 दिन लगातार बारिश हुआ था और अभी मौसम बिल्कुल भी फ्रेश है, बिल्कुल भी अच्छा है। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा वीडियो भी बनाऊंगी और शेयर करूंगी, लेकिन डेली डेली घर का ब्लॉगिंग और आप लोगों से मिलना अच्छा भी लगता है और मुश्किल भी होता है कि आप लोग के साथ मैं क्या शेयर करूँ, कैसा वीडियो शेयर करूँ। और आजकल मुझे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप सारी ब्लॉग बनाइए, सारी ब्लॉग मैंने सर्च करके बहुत से ऐसे वीडियो देखे है, उसमें कुछ खास नहीं। मैं सोच रही थी कि साड़ी ब्लॉग में होता क्या है, साड़ी दिखाना रहता है या फिर पहन के क्या करना रहता है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो नॉर्मली पहन के जो काम है, वर्क है, उसी को करना है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी साड़ी ब्लॉग बनाने का, और आप लोग इतना अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, मैं ये तो मेरे बस का है, मैं इसको कर सकती हूँ, साड़ी पहन के ब्लॉगिंग करना है यही ना, तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे जो मेरे बस में नहीं होगा मैं उसको ना ही करूँगी, ना ही रिप्लाई करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना किसी किसी को। तो ठीक है फिर, तो मैं पूरा कोशिश करूँगी आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोग के सामने लाने का। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट मुझे भरपूर करिए ताकि मेरा भी मन लगे वीडियो बनाने में और आप लोग के वीडियो पे आने में। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ब्लॉग पे लाइक के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पूरा देखने के लिए और मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, बने रहिएगा हमेशा मेरे साथ।